हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड बहुत टाइम के बाद मतलब मैं मोटो ब्लॉग बना रहा हूँ। जो पिछला ब्लॉग भी आपने देखा था वो भी रिसेंट शूट नहीं किया था, बहुत पहले का था, बट मैंने डाला बाद में था। तो आज का जो ब्लॉग है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उत्तराखंड से, मतलब बेसिकली उत्तराखंड में एक जगह है वहाँ पर मैं इस टाइम पर ऑलरेडी आया हुआ था। तो दिस प्लेस इज़ पर्टिकुलरली कॉल्ड एज कालूसित बाबा। तो यहाँ का मतलब लोकल लोगों में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये टेम्पल। तो मैं भी यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ से विजिट करने के बाद मैं जा रहा हूँ एक नए रास्ते से देहरादून के लिए, ठीक है, जो कि आपने बहुत मतलब पहले जो है नहीं देखा होगा। मैं अगर जनरल बात करूँ, ब्लॉगर्स वगैरह इधर से नहीं जाते हैं, पूरा टोटल ऑफ रोड रास्ता है। मैं दिखाऊँ आपको, तो कुछ इधर दिख रहा है रास्ता, ये ऐसा है। और ये है वो टेम्पल जहाँ से हम लोग आज ब्लॉग की अपने स्टार्ट कर रहे थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, श्री कालूसित बाबा जी का टेम्पल जो है। हाँ, तो ये रास्ता देहरादून निकलता है, मतलब वैसे तीन चार रास्ते हैं जाने के देहरादून के लिए, तो उनमें से एक ये भी है जिसमें आप थानो ब्रिज से होते जाते हो। तो अभी चलते हैं आगे, बहुत ही प्यारा ट्रेल है, आप लोग को लिटरली मज़ा आएगा, इतना डेंस, मतलब जंगल है, पूरा जंगल टाइप फील आती है, मतलब जंगल ही है तो जंगल टाइप फील तो खैर आएगी आएगी लेकिन मतलब इन बिटवीन नेचर वाला मतलब सीन आप कह सकते हो। और रास्ता जो है बहुत अच्छा नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है। पूरा ट्रेल आपको दिखाता हूँ, बहुत सेक्सी है, मज़ा आने वाला है। तो बेसिकली ये रास्ता है, आप लोगों ने बहुत दिनों से ये वाला जो व्यू है, मतलब व्यू इन द सेंस एडवेंचर पे मोटर व्लॉगिंग वाला नहीं देखा होगा। और आज बहुत टाइम बाद मतलब मैं मोटर व्लॉगिंग कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने हो चुके हैं यार, मतलब मैं कहूँगा 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए, और उसके बाद मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि पहले कंटिन्यू जब हम करते हैं कोई चीज़ तो उसमें हम यूज्ड टू जाते हैं, लेकिन यार जब आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो तो अब बहुत टाइम बाद करते हो तो थोड़ा समझ नहीं आता कि मतलब बोलना क्या है क्या नहीं बोलना है। और वैसे भी यार मोटो ब्लॉगिंग में यार ऐसा लगता है खुद से बात कर रहे हैं या फिर खुद को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस तक तो बाद में पहुँचता है ना, तब हम जुड़ते हैं, लेकिन पहले हम लोग मैं अकेले ही बोल रहा होता हूँ, दूसरा कोई नहीं होता, तो फिर अजीब सा लगता है। हाँ भाई, कल मैं इस रास्ते पर आया था, कल तो भाई साहब ऐसा सीन हो रहा था, मतलब बारिश हो रखी थी कल, तो इस रास्ते में पूरा जो है ना रास्ता पूरा ही गीला था और पानी जो है कल का ही भरा हुआ है। सोचा है मैंने आज इधर कोई एक दो रील भी निकालूंगा, अगर मतलब बनती हैं तो ट्राई करूंगा निकालने का, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता जो है हार्ड है एंड जो पत्थर बजरी वगैरह ना उस पर थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल रहता नहीं चलाने में। बाकी जंगल आप देख रहे हो कितना मतलब बढ़िया वाला, ऐसे रास्ते मेरे को लिटरली बहुत पसंद आते हैं। ओहो, अब मन करता है फिर इस पर भगाओ थोड़ा सा। ये भाई साहब कीचड़ है आगे, अभी गंदी होगी पैंट। बच गई, बच गए। वैसे मैं इसका इंतजाम भी करके लाया हूँ आज, कि मतलब अगर मुझे कुछ रील्स निकालनी हो, मुझे ऐसे वाटर मतलब पानी से निकालना है, क्योंकि इस प्लेसेस आएंगे तो फिर पैंट जो है पूरी गंदी हो जाएगी, अभी धुल्ली पहन के आया हूँ। हाँ, तो उसके लिए रेनकोट जो है रखे जाए, जिसकी वजह से अगर पानी ऊपर आता भी है तो वो पैंट गंदी नहीं होगी, एटलीस्ट सूत तो गंदे होने होने हैं, लेकिन हाँ पैंट बच जाएगी कम से कम, इतना हो जाएगा। अभी इससे आगे एक जगह आती है, मतलब जहाँ पे पूरा प्लेन एरिया आता है, वहाँ पे ना कल तुमको समझ ही नहीं आ रहा था जाना कहाँ पे, लेकिन एक बंदा आया था जो कि कार से था, तो वो लोकल का था, तो इसीलिए उसको पीछे मैंने जो है आराम से लग लिया, तो उसकी वजह से मैं रास्ता मतलब मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा, अदरवाइज शायद मैं भटक जाता। और इन रास्ते में ना आप रात में तो बिल्कुल नहीं आ सकते, रीज़न बीइंग बहुत घना जंगल है, जानवर वगैरह होते हैं, तो आपको इजीली मतलब रात में जानवर वगैरह मिल सकते हैं, उनका मतलब बेसिकली डर लगा रहता है, तो रात में तो आना वैसे भी सजेस्टेड नहीं है। और आपको अगर इस रूट पे आना है ना, तो रास्ता कटता है जब आप ऋषिकेश से आ रहे होते हो देहरादून के लिए, तो एक जगह पड़ती है भानेवाला, भानेवाला से आपको एक रास्ता कटता है क्या बोलते हैं थानो, आप थानो रोड पे बेसिकली किसी से पूछ के आ जाओगे, या फिर जो देहरादून का रास्ता है दूसरा वाला मेन रोड को छोड़ के, तो आप इधर इस रूट से आ सकते हो और इस वाले रास्ते का एंजॉय ले सकते हो, क्योंकि वो जो हाईवे है हाईवे पे आपको इस जंगल का एंजॉय जो है जंगल वाली फील है ना वो नहीं मिलने वाली है, जो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ये क्या उग रखा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा था पहले मेरे को ये गन्ने हैं, लेकिन ये तो कुछ घास है, वो भी बहुत बड़े बड़े। मैं आपको रोक के सुनाता अगर इसमें आती मेरे माइक में आवाज़, तो यहाँ पे ना चिड़िया उड़िया की आवाज़ आ रही है बढ़िया वाली। तो
तो ये जो ट्रेल था ना ये हो चुका ख़त्म अभी। सामने ये रास्ता है, इधर जाएंगे तो ऋषिकेश पहुंच जाओगे, इधर जाओगे तो मसूरी और देहरादून के लिए। तो अपन जा रहे हैं इधर की तरफ। आगे एक कैफ़े है, ट्री कैफ़े। लोकल से मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था मतलब बढ़िया कैफ़े है, आप वहाँ बैठ सकते हो। तो अपन जो है उधर ही जाएंगे। और मेरी चैन जो है बाइक की बिल्कुल ही ख़राब है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रही है। हाँ, और थोड़ा थक भी गया हूँ। हाँ, क्योंकि सुबह से निकला हुआ तो प्यास लग रही है। सामने मुझे शॉप दिख रही है, तो मस्त उधर बैठ के अभी पीऊँगा एक गन्ने का जूस और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेने के बाद फिर निकलूँगा यहाँ से आगे ट्री कैफे के लिए। हार्ले गैंग। वैसे भी जिसको ना बताओ उसको बता दूँ, देहरादून में हार्ले बहुत ज़्यादा हैं। इसी हार्ले गैंग, हालांकि वो बहुत तेज़ जा रहे थे तो उनको चेज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैं चेज़ करूँ ही करूँ, बस फन के लिए कर रहा हूँ। लेकिन वो लिटरली बहुत तेज़ जा रहे थे यार वो लोग, लाइक दे वर रियली रियली फास्ट यार। आई डोंट नो कि मैं उन्हें पकड़ भी पाऊँगा। वो पता नहीं किधर निकल गए, गोली हो गए भाई वो लोग। हार्ले गैंग गायब हो गया, नज़ारे देख रहे हैं भाई साहब क्या बात है। मतलब मज़ा आ गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार, क्या प्यारा नज़ारा लग रहा है इधर। ओहो लिटरली भाई हार्ले गैंग तो गोली हो गया, गोली बिल्कुल गोली, नो क्लू वेयर दे आर। तो अपन उस ट्रेन को ख़त्म करके आ चुके हैं सेक्सी से रास्ते पे जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है बिकॉज ऑफ द नेचर। और मेरे को नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए मैं जनरली ऐसी जगह ही चूज़ करता हूँ जहाँ पे मतलब माउंटेन्स हो या फिर जंगल वगैरह हो। जनरली मैं मतलब ऐसी जगह पे नहीं जाता हूँ जहाँ पे जैसा कि बोल सकते हो राजस्थान में कोई आपका डेजर्ट हो गया, प्लेन्स हो गया, वहाँ पे जाता नहीं, आपको पता ही है। तो अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया सूझा कि वैसे तो मैंने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की हुई है देहरादून के नियर बाय। अभी क्या है, अभी मैं सोच रहा हूँ जाने का इठारने, जो कि एक प्लेस है नियर टू देहरादून, मतलब अप्रॉक्सीमेटली रहेगा 20 किलोमीटर शायद जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ से मुझे 30 किलोमीटर पड़ रही है और यहाँ से इठारने निकल रहे हैं। वहाँ पे बहुत प्यारा सा बुग्याल है तो उस जगह पे जाके कुछ रील्स वील शूट करने का सोच रहा हूँ। अभी मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा है तो बारिश भी हो सकती है, बाकी पता नहीं कि बारिश मतलब ऐसा श्योर नहीं है कि मतलब बारिश हो ही जाए, बट हाँ अभी जो हालात चल रहे हैं आजकल मानसून के उसके अकॉर्डिंग बारिश होना मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया और इधर तो वैसे भी बहुत कॉमन है। बाकी रोड ये भी बहुत चल रहा है भाई, अभी तक तो कोई नहीं था। यहाँ से निकल रहे हैं अभी आगे के लिए और आपको इन रास्तों का जो नज़ारा ना वो दिखाता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल है लिटरली, यू गाइस गोना लव इट। और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जब आओ ना इधर तो मसूरी वगैरह के अलावा अगर कभी टाइम मिले ऋषिकेश हरिद्वार से तो इधर भी कभी आना, इन रोडों पर इन रास्तों पर बहुत प्यारे रास्ते हैं बहुत ज़्यादा।